वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज का इस वीडियो में आप लोग साथ में शेयर करने वाला हूं कि जेसीबी मशीन लोडर से आप कैसे कहीं पे आप लेवल कर सकते हो, इसके बारे में बताएंगे। और इस वीडियो को अगर आप हल्का भी स्किप कर दोगे ना, तो आप कभी भी लोडर नहीं सीख पाओगे। मेरे कहने का मतलब, यह वीडियो देखने से आप लोगों को प्रत्येक चीज़ ऐसा पता चल जाएगा, जैसा कि खेत को कैसे लेवल किया जाता है, रोड को कैसे लेवल किया जाता है, रोड पर मिट्टी गिरा रहता है तो लोडर से आप कैसे लेवल कर सकते हो, इसके बारे में मैं फुल एक्सपीरियंस के साथ अपना वॉइस ओवर करके वीडियो में आप लोगों को खाने वाला हूं। तो यह वीडियो से आप लोगों को बिल्कुल नॉलेज मिल जाएगा कैसे जेसीबी का लोडर से आप कहीं पे लेवल से मिट्टी को कैसे लेवल कर सकते हो। कहीं पे जैसे कि रोड साइड में टूटा रहता है पुल के पास और ऊपर में मिट्टी डाल देता है और लोडर से नीचे धकेल धकेल के कैसे आप लेवल कर सकते हो, इसके बारे में बताएंगे। तो गाइस, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करना, ताकि मेरा आने वाले न्यू अपडेट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। गाइस, वीडियो में ना टाइम लगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, जैसा कि इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि ये जो मशीन है फोर व्हील मशीन है, और गाइस इस मशीन में कैंची लोडर है। जैसा कि कैंची लोडर जो होता है गाइस, बीच से जो खुलता है उसे कैंची लोडर बोलते हैं। और गाइस, अभी जो आप देख रहे हो या लोडर से आप देखे हो, जो कि इस लोडर से आप जब भी आप खेत लेवल करने के लिए जाओगे, इस लोडर से आपका खेत लेवल काफ़ी बढ़िया तरीका से हो सकता है, क्योंकि कैंची लोडर में आपको ब्लेड भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से खेत को लेवल किया जा रहा है। गाइस देख सकते हो, लोडर लगा चुका है बढ़िया से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ में आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ, जो कि गाइस यहाँ पर रोड का साइड में जैसे कि मिट्टी ढस जाता है बरसात के मौसम में, गिर जाता है मिट्टी, तो वहाँ पे रोड का कैसे कोर जो होता है उसको कैसे भरा जाएगा, लोडर से पहले मिट्टी को गिरा दिया गया और उसके बाद कैसे उसको भरा जाएगा, ये आप देख सकते हो। ठीक है गाइस, इस मशीन का भी आप देख सकते हो कैंची लोडर ही है, और ये भी मशीन फोर व्हील है जो कि एस्कॉर्ट मशीन है। गाइस देख सकते हो, लेवल से लगाया है, उसके बाद मशीन को आगे धक्का दिया जा रहा है और लोडर को आगे, मशीन को देख सकते हो यहाँ पे मिट्टी को आगे की ओर धक्का दिया जा रहा है। गाइस, इस मशीन का मैं खासियत बता दूँ, फोर व्हील का मतलब होता है चारों चक्का को इसमें टान का ताकत का क्षमता होता है। जैसा कि जितना चक्का आपको पीछे वाला चक्का ताकत देगा, उतना ही आगे वाला चक्का ताकत देगा। फोर व्हील बटन ऑन करोगे तो आगे का चक्का भी ताकत लगाएगी। ठीक है, अगर फोर व्हील बटन ऑन नहीं करोगे तो सिर्फ पीछे का ही चक्का ताकत लगाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर कैसे रोड का जो किनारा है यानी कि साइड का जो ऑप्शन है उसको मतलब गिर चुका है, तो वैसे क्या किया गया है गाइस इस वीडियो में आप देख सकते हो, उसको साइड का पक्का भर रहा है मिट्टी। जैसे कि रोड का जो साइड में जो मिट्टी जो बरसात में गिर जाता है या वहाँ से मिट्टी हट जाता है, तो कैसे वहाँ पे साइड में किया जाएगा, इस वीडियो से आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया तरीका से पता चल जाएगा। तो चलिए अभी मैं बता देता हूँ। गाइस देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पर साइड में देख सकते हो, यहीं पर मिट्टी को भराई किया जा रहा है। अब देख सकते हो गाइस, यहाँ पे ध्यान देना कैसे लोडर को सीधा से लगाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे देखो गाइस, ध्यान देना, लोडर लगाया। ठीक है, लोडर लगाने के बाद मशीन को आगे की ओर धक्का दिया जा रहा है, धक्का देने के बाद। और गाइस यहाँ पे इस मशीन में आपको एक चीज़ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि कैंची को आपको खोल लेना है, कैंची लोडर को खोल लेना है। देखो खोल लिया, और यहाँ से लेवल में मिट्टी खींच सकता है। देख सकते हो खोला, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे इतने ही पे बिल्कुल लेवल से मिट्टी पहले खुदाई हो जाएगा। देख सकते हो बिल्कुल लेवल से, रोड बराबर में देख सकते हो लगाया। यही तो खासियत होता है गाइस, कैंची लोडर का जवाब ही नहीं होता है। अगर आप लोग अगर फोर व्हील मशीन भी हो, अगर आप फोर व्हील मशीन को ऑपरेट कर रहे हो, तो उसमें आपको कैंची लोडर मिल जाएगा। जैसा कि गाइस देख सकते हो, कितना बेस्ट चीज़ होता है ना खेत लेवल करने के लिए, या कहीं से अगर मिट्टी को आपको अगर फैलाना होता है तो उसमें बहुत काम आता है। इसमें आपको ब्लेड भी मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हो जो पीछे का जो ऑप्शन है उसमें ब्लेड लगा होता है। ठीक है, तो उससे लेवल होता है। गाइस यहाँ पर ध्यान देना है, जो देख सकते हो इस साइड में जो मिट्टी जो भरा है, यहाँ पे ध्यान देना, इधर लेफ्ट साइड पे जो मिट्टी भरा हुआ है ध्यान देना, यहाँ पे देखो उसको इस तरफ फैलाना है। ठीक है, जैसा कि रोड के साइड में उसको गिराना है। ठीक है, अगर गाइस अगर आप लोग अगर फेसबुक पेज पे अगर आप लोग वीडियो देखना चाहोगे यह वीडियो को, तो आपको जेसीबी लोडिंग सर्च मारना होगा और उसे फॉलो कर लेना ऐसा वीडियो देखने के लिए। ठीक है गाइस, फोर व्हील मशीन का जो कैंची लोडर का जो ऑप्शन होता है वो मैं बता देता हूँ गाइस। यह जो काम जो हो रहा है, जो कि पुल के साइड में मिट्टी को डाला जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, पुल के साइड में मिट्टी को दिया जा रहा है, यानी कि पानी के बहाव से जो मिट्टी जो भाग जाता है, तो जैसे कि बह जाता है पानी के बहाव से, तो वहाँ पे मिट्टी रिपेयर करने के लिए मिट्टी पहले गिरा करके उसमें फैला दिया जाता है, ताकि रोड उतना ही चौड़ा का चौड़ा है। देख सकते हो कैंची लोडर खोला और बिल्कुल पीछे की ओर खींचा जा रहा है,
है और लेवल होता जा रहा है। ठीक है, यह वीडियो मैं इसलिए मैं इस वीडियो पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ जो कि बहुत सारा भाई को कैंची लोडर के बारे में नॉलेज नहीं पता होगा, तो इसके लिए यह वीडियो मैं डाल रहा हूँ। और यहाँ पर ध्यान देना गाइस, देख सकते हो कैंची लोडर फला हुआ है। कैंची लोडर कैसे काम करता है मैं बताता हूँ गाइस। जैसा कि 3DX मशीन में जो लोडर का ऑप्शन होता है एक लीवर चलाने का होता है, वही कैंची लोडर में दो लीवर होता है। वहाँ पे एक तो पहले से ही होता है जो लोडर के लिए होता है, और एक कैंची खोलने के लिए होता है, कैंची लोडर को खोलने के लिए होता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ क्या होता है, तो उसी लीवर के बगल में होता है कैंची लोडर लीवर होता है। जैसा कि आप अगर करोगे तो खुलेगा, इसी प्रकार से होता है। ठीक है, देख सकते हो लेवल करने का कितना बढ़िया तरीका है। कैंची लोडर से आप लेवल कर सकते हो, मिट्टी को फैला सकते हो। ठीक है, तो ध्यान देना गाइस, यहाँ पे देख सकते हो अब ये रह गया, लोडर खोला हुआ है, कैंची लोडर को खोला हुआ है और फैलाया जा रहा है। वो जो आप देख रहे हो गाइस लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर जो देख रहे हो, उसी में ब्लेड लगा होता है। जैसा कि आप अगर खेत लेवल में जाते हो ना, इतना बेस्ट तरीका से आपको खेत लेवल हो जाएगा कैंची लोडर से गाइस, जिसका जवाब नहीं है। क्योंकि मैं भी 4-wheel मशीन पर बहुत दिन तक ऑपरेट किया हूँ और हमें मज़ा आ रहा था उस पर काम करने में। अगर आप लोगों पर भी हाथ में अगर 4-wheel मशीन जा रहा है तो बहुत ही बेस्ट चीज़ होगा। जैसा कि गाइस मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि पीच के साइड में जैसा कि पिचिंग हुआ रहता है और उसके साइड में जो गड्ढा बन जाता है और ऊपर में जो पहले जो ड्रेसिंग किया जाता है रोड का, और उस पर जो मिट्टी को डाल के कैसे फैलाया जाता है, आप यहाँ पे ध्यान देना। बिल्कुल लेवल से देख सकते हो रोड का चौड़ाई बढ़ाया जाता है इसी तरीका से। ठीक है, जैसा कि रोड के साइड में मिट्टी को काट करके उसके बाद इसी प्रकार से डाला जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना गाइस, जैसा कि यहाँ पर खेत का लेवल है और इसी के हिसाब से आपको आगे देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे खाली जगह है और उसमें पानी है, तो उसको भराई किया जाएगा। कैसे लोडर से भरा जाएगा आपको इस वीडियो से पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो लोडर पहले मिट्टी को यहाँ पे देखना, ध्यान देना, ऐसे सीधा से लगाया और उसके बाद मशीन को धक्का दिया जा रहा है, धक्का देते जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो लेवल से, बिल्कुल लेवल से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, और कहाँ भी यह मिट्टी को छोड़ेगा वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। जैसा कि गाइस देख सकते हो आगे की ओर देख सकते हो, बिल्कुल ध्यान देना, वहाँ पे देख सकते हो गाइस, इसी प्रकार से धक्का देते देते उस जो पानी का जो बहाव है ना उसको भराई किया जा रहा है। तो जैसा कि गाइस देखो यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, उसके बाद फिर से मशीन को पीछे लेके आएंगे, यहाँ पे ध्यान देना गाइस, पीछे लेके आएंगे मशीन को। जैसे ही मशीन को पीछे लेके आएगा उसके बाद फिर से मिट्टी को उठा के उसी में डालने के लिए जाएंगे। तो यह वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। और यहाँ पे ध्यान देना गाइस, ये भी इस मशीन में भी कैंची लोडर ही है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो ऊंचा वाला मिट्टी है इसको पकड़ा, बिल्कुल सीधा से लोडर को लगाया लेवल से, और मिट्टी देख सकते हो भरता चला जा रहा है, मिट्टी को देख सकते हो यहाँ पे। और ये देख सकते हो गाइस आए कि जो चक्का जो फ्री हो जा रहा है चलते चलते जो नाचने लगता है, तो यह 4-wheel बटन लगा चुका है। जब भी आप लोग 4-wheel मशीन पे काम करते हो तो 4-wheel बटन को ऑन करके उसके बाद ही काम करोगे, तो आपको मशीन को लोडर का बहुत ही ज़्यादा ताकत मिलेगा। कितना भी ताकत रहेगा ना मिट्टी, कितना भी मिट्टी हार्ड रहेगा ना, उसको ये इतना आसान तरीका से मतलब खोर देगा ना, इतना आसान तरीका से लेवल कर देगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको बहुत ही मज़ा आएगा यह लोडर ऑपरेट करने में, यह 4-wheel मशीन को ऑपरेट करने में बहुत मज़ा आएगा। जैसा ही गाइस देख सकते हो वहाँ पे मिट्टी को डाला, फिर से बैक लिया मशीन, देख सकते हो वहाँ पे मशीन दब चुका है, लोडर लगाया नीचे और उसके बाद पीछे की ओर धक्का दिया, फिर ऊपर हो गया। ठीक है गाइस, जैसा कि यह मशीन को ज़्यादातर फंसने का कोई चांस नहीं रहता है, क्योंकि आपको अगर चक्का नहीं काम करेगा पीछे का तो आपको आगे का भी चक्का मदद दे सकता है। यह मशीन कभी भी ज़्यादातर फंसने का कोई चांस ही नहीं है इस मशीन को। अगर जानबूझ के अगर फंसा दूँ तो उसका कोई बात ही नहीं। जैसा कि जानबूझ कहने का मतलब, जहाँ पे काम करने का जगह भी नहीं अच्छा रहता है, जहाँ पे काम नहीं होने वाला रहता है वहाँ पे ज़बरदस्ती जाओगे तो फंसेगा ही, पर 4-wheel मशीन का कोई चांस ही नहीं रहता फंसने का, इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, इसलिए कि मैं भी उस मशीन पर काम किया हूँ काफ़ी दिन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, मिट्टी को उठाया फिर से लेके जा रहे हैं वहीं पे। यहाँ पे देख सकते हो गाइस मशीन दब भी रहा है क्योंकि कच्चा मिट्टी हो गया वहाँ पे, कच्चा मिट्टी ऐसे हो गया कि वहाँ पे देख सकते हो पानी में मिट्टी को डाला जा रहा है कोर कोर के, और उसमें मशीन जो है दब रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है गाइस, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पर कि दब रहा है और इसको अब क्या करेंगे, दबा हुआ में आप इसको मिट्टी डाला जाएगा। ठीक है, और गाइस यह मशीन देखने में काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत होती है, और इस मशीन का साउंड इतना प्यारा होता है ना, जैसा कि लगता रहता है कि हाँ कोई सा मशीन पे बैठा हुआ हूँ।
ऐसा रहता है फोर व्हीलिंग मशीन, ठीक है। और गाइस मैं फिर से बता दूंगा, जेसीबी लोडिंग के नाम से फेसबुक पे चैनल पेज है, तो उसे फॉलो कर लीजिएगा ऐसा ऐसा वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो इधर से ऊंचा मिट्टी काट करके वहाँ पे भराई किया जा रहा है, ठीक है। और वहाँ पे भरना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसा कि ज़रूरी है इसीलिए वहाँ पे मिट्टी को भरा जा रहा है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो जो वहाँ पे दबा था वहाँ पे लोडर बिल्कुल लेवल से लगा करके मशीन को आगे की ओर धक्का दिया जा रहा है, और जहाँ पे दबा था मशीन वहाँ पे मिट्टी भर जाएगा और आगे की ओर भी मशीन चला जाएगा, ठीक है। और सो गाइस जेसीबी का लोडर से कैसे काम किया जाता है, इसके बारे में मैं अभी इस वीडियो में अपना वॉइस ओवर करके मैं आप लोगों के बीच मैंने शेयर किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से। अगर नहीं नॉलेज मिला होगा, कितना नॉलेज मिला आप लोग ज़रूर हमें कॉमेंट करके बताइएगा, ताकि हम लोग भी इससे इंस्पायर होंगे कि हाँ भाई मेरा वीडियो कैसा चलता है, ठीक है। आप लोगों को इस वीडियो से 110% आप लोगों को इस वीडियो से पता चल गया होगा कि जेसीबी का लोडर से कैसे काम किया जाता है, ठीक है। तो गाइस चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले मेरा न्यू अपडेट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और गाइस एक चीज़ मैं और बताऊँगा कि वीडियो को जहाँ जहाँ शेयर कीजिएगा, जो जितना भी लोग सीख रहे हैं जेसीबी मशीन को, सीखना चाहते हैं क्या क्या इसका फ्यूचर, कैसे इसको आप कर सकते हो, ओके, ठीक है, कैसे आप सीख सकते हो इसके बारे में बताएं। तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरा आने वाले न्यू अपडेट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, जय हिंद।